ओम साई राम। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आइए, मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ अमेजन, ये मिंत्रा का कुछ सामान। तो मिंत्रा में क्या क्या सामान है मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा थोड़ा करके सब दिखा रही हूँ आप लोगों को। दोस्तों, मेरा किचन सेट हो रहा है, किचन जब सेट हो जाएगा तो मैं आपको सब दिखाऊंगी आराम से। दोस्तों, मैंने ये सर्विंग ट्रे मंगवाया है और ये नेस्थेसिया का है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। नेस्थेसिया हो या होम सेंटर का सामान, तो मुझे बहुत ही पसंद आती है दोस्तों। तो ये छोटा ही है, सर्विंग के लिए मंगवाया है। और दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या मंगवाया है मैंने। ये भी ये है, ये मैंने मंगवाया है 2 पीस, एक गोलकी के लिए और एक काले नमक के लिए डाल के, और ये क्रश करने वाला, तुरंत से क्रश करना। जैसे सूप उप बनाते हैं हम लोग ना, तो पहले से पिसा हुआ गोलकी नहीं डालना चाहिए इसमें, एक क्रशिंग सिस्टम है। यहाँ से ये आप ऐसे से चलाएंगे तो एक क्रशिंग सिस्टम है। ये ऐसे से करके होता है दोस्तों। यहाँ पर इसका ये देखिए, यहाँ पर ये मशीन है और खुलेगा यहीं से। खुल क्यों नहीं रहा है? गोलकी भर दीजिए और काला नमक भर दीजिए दोनों में। जैसे एक में मैं काला नमक भर के रखूँगी और एक में गोलकी भर के रखूँगी, और इसको भर के, गोलकी वगैरह भर के इसमें डाल के ऐसे ऐसे, और ये जो है ना नब को ऐसे बंद कर देना है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, जरा सा गोलकी लाओ ना मनोज, आप लोग को ये मतलब यूज करके भी मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा। हाँ, खड़ा गुड़की रहेगा, इसी में रहेगा। और काला नमक एगो में ला के भरना है। दो थोड़ा और भर दो, एक बार रहेगा तो भरा। और मैं इसे, हाँ ये कर दिया, और इसको मैं ऐसे बंद कर दी। देखिए ये बंद हो गई, और देखिए मैं इसी प्लेट में आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से निकल रहा है। देखिए दोस्तों, क्रस गुल की ये सूप उप के लिए, ठंडे के दिनों में मेरे हस्बैंड तो पूरा जब तक ठंडा रहती है तो सूप पीते हैं, और कुछ भी चीज़ जैसे ऑमलेट उमलेट बना रहे हैं तो ऊपर से ऐसे क्रस करके, क्योंकि क्रस किया हुआ में ज़्यादा टेस्ट होता है दोस्तों, और आगे पहले से पीस के रखने पर उसका टेस्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ये 2 मंगवाई हूँ, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। हाँ, एक मैंने पूजा में पीतल का रखा था, ये क्या बोलते हैं कछुआ, तो पता नहीं पानी पड़ने से कि क्या वो खराब हो गए हैं। तो इस बार मैं ग्लास का मंगाई हूँ, ये मेरा पूजा रूम में चाहिए, मैं कछुआ रखती हूँ, तो ये ग्लास का है और बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, तो ये एक चीज़ मैं मंगवाई हूँ अपने पूजा रूम के लिए। और दोस्तों, मैं एक ऐसा चीज़ मंगवाई हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ रखना चाहिए, ये ऑल पर्पस के लिए है। आप इसे गैस पोस सकते हैं, चूल्हा पोस सकते हैं, इवन नल वगैरह का जो खराब हो जाता है, जो नल में दाग उग हो जाता है, बेसिन वगैरह में दाग हो जाता है, उस सब से भी ये ऑल पर्पस क्लीनर है। मतलब आपको कुछ चीज़ भी इससे आप पोस सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और इसका मैं बहुत सर्च करके इसको ली हूँ, ऐसे नहीं ली हूँ, इसको सर्च किया है मैंने, बहुत देखा है, तब जाके मैं इसको ली हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हर घर में होनी चाहिए क्लीनर। तो मेरे हिसाब से आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो मैं इसका मतलब कि लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। देखिए दोस्तों, एक ये मैं प्लास्टिक का ये मंगवाई हूँ, ये है, कल मैं कहीं दिखाया था ना आप लोगों को, लकड़ी का है, ये भी ऐसे चलने वाला है ऐसे। देखिए इसमें कुछ भी रख दीजिए, जैसे देखिए इसमें बनाया हुआ है डिजाइन, इसमें जैसे कुछ भी रख दीजिए, निकालना है तो अपना खसका के निकाल लीजिए, छोटा बड़ा जो भी सामान है अपना। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है।
और मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ मैं बास्केट मंगाए हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बास्केट मंगवाया है। एक ये साइज का है, एक ये साइज का है और एक ये साइज का है। तो ये तीनों साइज का, और इसमें ये जो चीज़ें बनी हुई है ना, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। और इसमें भी आप कोई चीज़ डब्बा, जैसे मेरे मैंने ग्लास का सारा चीज़ मंगवाया है तो मुझे बचाना है ग्लास को, क्योंकि ऐसे रखने पर टकराएगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि सब इस तरह का ट्रे मंगवा के उसमें रख रख के ऐसे सर, मतलब कि अलमीरा वगैरह में रखूँगी। तो मेरे मैं इस तरह का और मंगवाई हूँ, जो अभी पता नहीं किधर है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी मैं इसको डालूंगी नहीं, क्योंकि पूरा ऊपर का भी मेरा काम हो जाएगा तभी मैं इसको डालूंगी। ये मैं किचन किचन मैट मंगवाई हूँ और बहुत ही खूबसूरत है। हाँ कैसी है, देखिए दोस्तों ये दो का सेट है, एक मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि किचन में दोनों तरफ से मैं ये मैट बिछाऊंगी, लंबी लंबी है। ये देखिए मैं पर्स पे डाल के दिखाती हूँ, ये आप बेड के पास भी डाल सकते हो लंबा, ये देखिए। और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये मतलब चिपकने वाली है, ये नहीं कि आप इससे फिसलेंगे, इस पर जैसे ऐसे चले तो ये ऐसे खसक जाएगा, ऐसे नहीं खसकेगा, ये चिपक जाएगा। तो ये किचन के लिए बहुत ही बेस्ट है। देखिए दोस्तों इस तरह का मैं दो पीस मंगवाई हूँ, देखिए दो पीस मंगवाई हूँ, और इसको मैं अभी किचन में डालूँगी, और मेरा किचन का कलर का कलर से मिलते जुलते हैं तो मैंने इसे मंगवाया है। और आज इतना ही है अनबॉक्सिंग के लिए दोस्तों, कल फिर मैं कुछ अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। और आज के वीडियो यहीं तक दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अब मेरे चैनल पर ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट तो ज़रूर करें। आप कमेंट करते तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। आप लोग जो जो मेरी कमियों को भी निकालें और मेरी अच्छाई को भी बताएं, और कुछ आप लोगों को कुछ नया जानना है, नया सीखना है तो वो भी आप लोग बोले तो मैं उस चीज़ बना कर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें दोस्तों। और आज का वीडियो यहीं तक, बाय बाय।